ओके अभी तो अभी जा रही हूँ मैं वकास के साथ। एक तो ये आटे वाली मशीन जो लाई थी गूंदने वाली वो ख़राब निकली, वो चली नहीं है, वो रिप्लेस कराऊंगी। दूसरा ये पार्सल डिस्पैच करवाना है, तो चले फिर आप लोग वीडियो देख लेना। ओके भाई, तो हम लोग आए हुए थे मरी रोड। जो आटा गूंदने वाली मशीन मैंने ली थी अब्दुल्ला वालों को, मेरी चली नहीं थी, तो फिर मैंने यहाँ पे आकर उनको चेक करवाई है दोबारा। मैंने बोला भाई यार पहले दिन ही नहीं चली, तो बोल रहे हैं बेल्ट निकला हुआ था इसका। फिर मैंने बोला उन्होंने मुझे बेल्ट निकली हुई मशीन क्यों दी। खैर फिर मेरी सब्सक्राइबर मिल गई मुझे इसी शॉप के बाहर, फिर मैं उन सब्सक्राइबर के साथ बातें वगैरह करने लग गई थी। तो फिर वो कास अंदर से जाके ये बेल्ट लगवाया। मैंने आंसू को बोला कि आप मशीन चेंज करवा के क्यों नहीं लाए, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास यही एक पीस पड़ा हुआ था सिर्फ, अभी और है नहीं पीस। थैंक गॉड उन्होंने चेंज भी कर दिया। 7,000 की हमने ली थी, 7,500 की ली थी, 7,500 की हमने ली थी। तो अब उन्होंने ना बेल्ट वगैरह लगा के सही करके चला के दिया। आई विश कि घर जाऊँ तो सही चले। वकास जो है वो यहाँ से मीठा पान बनवाने आए हैं, ये कमर्शियल मार्केट में है, कोई शॉप नवाज जनरल स्टोर। मेरी सब्सक्राइबर मिली थी वो पठान थी ना, ये दिखाओ पठान, वो कहती है ये हमारा जैसा है पठान। ये वो इसको बुला रही थी कि हमारी गोद में आओ हमारे पास आके, था नहीं आऊंगा मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, रट्टा लगा रहा था इसने, है ना तस्वीर। अरे तस्वीर सबसे अच्छी बच्ची, तस्वीर गाड़ी से नहीं उतरी। अरमिश कहाँ गई है? अरमिश और उन्होंने आते साथ अरमिश का पूछा है, अरमिश किधर है, अरमिश किधर है? चलो बुला जाओ पापा पान ले आए। ये देखिए जी वकास पान लेकर आए हैं अपने लिए, नशा ही है मेरा शोहर। दो लेकर आए हो? तुमने दो नहीं खाने? मैंने नहीं खाना, फिर मैं तो एक, मेरे दांत खराब हो जाएंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं चिलगोजे, क्योंकि पूरी सर्दियाँ हो गई है। वकास मंगवाते हैं चिलगोजा उधर से गिलगित से, तो वकास का मोबाइल रिफ्रेश हुआ है तो उस बंदे का नंबर ही घूम गया। वो हमें इतना सस्ता भेजता है ना वहाँ चिलगोजा, है ना वकास? हाँ। और अब वकास खा रहे हैं मामू के चिप्स, इतनी गंदी चीजें खाते हैं, मोटे फिर भी नहीं होते। ये देखें जी 1,000 रुपए का पाव चिलगोजा, पूरे रस्ते खाऊ। इतने दिनों बाद आए हैं, कहाँ पे पहचान लो। हाँ जब इतने दिनों बाद आए हैं हम, कमर्शियल आए हैं और फिर हम चमन के पास एक उधर जाए, ऐसा हो थोड़ी ना सकता है। मैंने आइसक्रीम ली है बच्चों ने, मैंने और वकास ने। वकास कौन वाली खाते हैं? मैं खाती हूँ चॉकलेट चिप एंड वनीला, मुझे इनकी टूटी फ्रूटी भी अच्छी लगती है और पिस्ता फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहता है। और अभी हम जाएंगे कार्गो करवाने, फैसल मूवर डायरेक्ट वहाँ से भेजूंगी ताकि उन लोगों को सुबह मिल जाए पार्सल। लोग आए हैं अभी फैसल मूवर पे, क्योंकि भाई जो मोरों में फैसल मूवर है ना उसमें पापा का है सलाम दुआ वाला बंदा, तो यहाँ से हम करवाएंगे कार्गो उनको, तो वहाँ पे वो लोग रिसीव कर लेंगे। और बस सही है कि अर्जेंट, जैसे अम्मी मुझे हलवा भेजती है ना तो वो मुझे अर्जेंट मिल जाता है, तो वैसे ही सेम मैं उनको जो है वो पार्सल भेज रही हूँ ताकि उनको अर्जेंट मिल जाए। अब उस तरफ गए थे तो उन्होंने हमें इस तरफ भेजा है, रोड के फैजाबाद हैं हम लोग इस टाइम। उन्होंने कहा कि आप सामने चले जाएँ, KCS नाम का कुछ है उनका, तो वहाँ से जाएगा, ये लिखा हुआ है ना फैसल मूवर कार्गो। तो अब देखें अल्लाह करे यहाँ से हो जाए। फिर आप लौट के बुद्धू घर को आए, वही वाली मिसाल है, तो यहीं से भेजना पड़ेगा हमें। और हम खा रहे हैं चिलगोजे, ये देखें। उसके बाद हम लोग अम्मी की तरफ चले गए थे, वहाँ से वकास ने भी कुछ सामान उठाना था और चौकीदार के लिए बिस्तर भी लेना था अम्मी से, गद्दे वगैरह अम्मी के पास होते हैं उनके जहेज के, तो हमने अम्मी से लिए। इसलिए अम्मी ने फिर मक्की का आटा गूंदा है वकास के लिए, क्योंकि उन लोगों ने शलजम और उबले हुए चावल बनाए हुए थे, वो वकास और मैं खाते नहीं हैं। तो फिर मैंने बोला मक्की का आटा गूंद के उसकी रोटी बना देती हूँ, तो मक्की के आटे की रोटी अम्मी इतनी अच्छी बनाती है ना, मुझे तो बिल्कुल नहीं बनानी आती, मेरे हाथ से टूट जाता है। तो मेरे मोबाइल की चार्जिंग नहीं थी, वरना मैं आपको दिखाती कि वो किस तरीके की बनाती है। बस मेरे मोबाइल की 5% चार्जिंग थी और वो ख़त्म होने वाली थी। अच्छा काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि मैं अपने ससुराल के साथ क्यों नहीं रहती हूँ, तो मैं 8 साल उनके साथ रही हूँ। उसके बाद हम लोग यूसुफ़ की शादी से 1 साल पहले आई थिंक सेपरेट हुए थे, और उसका रीज़न ये था कि हम लोगों में ये रिवाज है, जैसे मेरी नंद की भी शादी हुई थी ना तो उन्होंने बड़े बेटे को सेपरेट कर दिया था, तो यहाँ पे ऐसा है कि जब छोटे बेटे की शादी करते हैं तो बड़े को सेपरेट कर देते हैं। और भी काफी रीजन थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ये चीजें शेयर करूँ सोशल मीडिया पे, ना मैं अपने मेकअप से रिलेटेड कोई बात शेयर करती हूँ ना ससुराल से रिलेटेड। मुझे होता है कि काम और चीजें अलग-अलग रखो, सिर्फ इतना शेयर करती हूँ जितना मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे वकास रोटी खा रहे हैं, अम्मी यहाँ पे एक और रोटी बना रही है वकास के लिए, और उसके बाद जो है हम लोगों ने बैठ के खाया था। मैं अम्मी से डिस्कस कर रही थी यहाँ पे कि आप हाथों से भी इतनी अच्छी रोटी बना लेती हैं बड़ी बड़ी, तो मेरे से नहीं बनती, शॉपर रख के बेलती हूँ, उसके बाद शॉपर से तवे पे पलटा देती हूँ, फिर भी ऐसी नहीं बनती, किनारे टूट जाते हैं सारे मेरी रोटी के, क्योंकि मुझे आती नहीं है मक्के की रोटी बनानी, मुझे तो आम रोटी इतनी मुश्किल से बनती है मेरे से। उसके बाद जी हम लोगों ने बैठ कर रोटी खाई थी, चाय में डिप करके, काफ़ी क्रिस्पी बनी थी। और मक्के की रोटी जो है ना वो काफ़ी हैवी होती है, एक दो रोटी से आपका पेट भर जाता है। यहाँ पे जो है बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ था, मैं अपनी जो है वो टेबलेट्स ले रही थी यहाँ पे, मैंने कहा चले वेदर दिखाऊँ आपको, सब बहुत ही प्यारा हुआ हुआ है, मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। प्यारी हवा चल रही है, हाँ सही ठंड ठंडी, ये देखें, और जो ये विंड चैन बज रही है ना मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई हुई है ये कि जब अपनी प्यारी बजती है, और अब रात में बजती है तो मैं डर भी जाती हूँ, लेकिन बहुत प्यारा वेदर हुआ हुआ है। अभी मैंने छत पे जाना है मशीन लगाने के लिए,
और अभी मैंने बालों में ऑयलिंग भी करनी है, शैम्पू भी करना है। ये है जी हमारा नेक्स्ट डे, तो मैं यहाँ पे अल्लाह का नाम लेके फिर से आटा गूंदने की ट्राई कर रही हूँ। और आज जो है मैंने आटा बहुत कम लिया है, क्योंकि मुझे एक लड़की ने बोला था कि आटा कम लेना है आपने। उसके बाद जो है मैंने मशीन ऑन करके चेक करी है कि घूम भी रही है कि नहीं घूम रही है। मैंने बटन दबाया, ढक्कन भी मैंने बंद कर दिया है, एहतियातन, तो मशीन जो है वो घूम रही थी। उसके बाद जो है मैंने साथ साथ पानी डालना शुरू किया इसका। करीब से दिखाती हूँ मैं आपको इस तरीके से, मतलब पहले आपने खुशका डालना है, उसके बाद आपने मशीन को ऑन कर देना, और साथ साथ जो ऊपर इसके सुराख बने हुए ना, और साथ जो उन्होंने कप दिया हुआ है उससे आप लोगों ने पानी डालना है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गूंद रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कितने आटे में कितना पानी डालना है। फिर मैंने इसलिए रुक रुक के देखती गई हूँ आटे की कंसिस्टेंसी, लेकिन ना शुक्र है कि मशीन सही गूंद रही थी और मैंने कम आटा गूंद के देखा है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ज्यादा भी आटा गूंद के देखा है तो गूंद गया था। तो यहाँ पे देख लें कितने आराम से जो है वो मशीन घूमी जा रही है और आटा जो है वो गूंद रहा है और चिपक भी नहीं रहा। आटा जो है ना मुझे लग रहा था पतला हो गया, तो फिर मैंने क्या किया थोड़ा सा खुशका डाल दिया इसके अंदर। वैसे ना हम लोग आटे में नमक नहीं डालते, क्योंकि पंजाब में लोग ना बगैर नमक का खाते हैं आटा। यहाँ पे सबको बीपी का इशू होता है मोस्टली, मेरे इन लॉज में तो है, और मेरी चाची भी पंजाब से थी, वो भी बगैर नमक के आटा बनाती थी। खैर मैंने नमक डाला है थोड़ा सा चेक करने के लिए और खुशका भी डाल दिया। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके मशीन चलाई है, तो फिर मशीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल गई है। क्योंकि वो डर बैठ गया था ना मेरे दिल में, कैसा ना फिर से खराब हो जाए, फिर मरी रोड का चक्कर लगाना। दुकानदार ने कहा तो था कि 2 साल की वारंटी है, लेकिन कुछ पता नहीं ना होता कि चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा ना कह देंगे आपने खराब किए। लेकिन शुक्र है कि उसने खोल के देखा तो बेल्ट उतरा हुआ था, फिर उसने बोला कि हाँ जी इसका बेल्ट उतरा हुआ है। फिर उसने बेल्ट लगाया तो वो बेल्ट लूज था और मशीन नहीं चली है। फिर उसने मुझे दूसरा बेल्ट लगा के दिया है। तो यहाँ पे देख लें जी आटा हमारा गूंद गया। ये जो चिपक रहा है ना साथ, तो ये भी आराम से उतर जाता है, क्योंकि इसका जो बाउल बना हुआ है ना वो अच्छी स्टील में बना हुआ है। तो जी हमारा आटा यहाँ पे गूंद गया है। मैं अब आपको इसके लॉक वगैरह दिखा रही हूँ कि जब आपने इसको बंद करना है तो इसके लॉक वगैरह अच्छे से देखने हैं, नीचे से भी अच्छे से प्रेस करना है, उसका ढक्कन जब आप बंद करोगे तो वो भी आपने अच्छे से प्रेस करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक तरफ दूध उबलने के लिए रखा हुआ था, एक तरफ चाय बनने के लिए रखी हुई थी। इतनी देर में जो है हमारा आटा गूंद गया। मुझे अप्रॉक्सीमेटली ना 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे आटा गूंदने में, वो भी अभी तो मेरे पहले दफा था, मैं डर डर कर रही थी। अगर आप लोग एक्सपीरियंस होंगे तो आपको 2 मिनट में बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं बाउल से आटा निकाल रही हूँ सारा। आप देखें जो चिपका हुआ आटा था ना वो भी सारा आराम से निकल आया, हालांकि मैंने अभी फर्स्ट टाइम बनाया है। औजार है ना घूमने वाला, ये 2 आए थे, एक प्लास्टिक का था एक मेटल का था, तो मैंने मेटल वाला लगाया था, इसके अंदर प्लास्टिक वाला मैंने रख दिया इसके डब्बे में डाल के स्टोर में। तो यहाँ पे जो हमारा आटा निकल गया है, और मैं इस आटे को जो अच्छा इस आटे को ना आपको ये भी जरूरत नहीं कि आप इसको तेल लगाने के लिए छोड़ें, क्योंकि इतना तेजी से घूमता है ना मशीन के अंदर कि ये काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। फिर मैंने बाद में जो है ना इस आटे का नाश्ता भी बनाया था, क्योंकि मैंने चाय ऑलरेडी बनने के लिए रख दी थी। मैंने कहा मैं देखूंगी नाश्ते के लिए आटा पराठा कैसे बनते, तो आपको नजर भी आ रहा होगा कि आटा कितना अच्छा गूंदा हुआ। और मुझे ना इस आटे को देख के तूबा की याद आ रही थी, जब तूबा आई थी ना मेरे पास रहने के लिए, तो उसने बिल्कुल ऐसा आटा गूंदती थी। वो रोज सुबह मेरे उठने से पहले ना नाश्ते से पहले आटा गूंद चुकी होती थी, और पराठे की खुशबू से मेरी आंख खुलती थी, वो नाश्ता बना रही होती थी। यार बहनें कितनी अच्छी होती हैं कसम से। तो मैंने कहा यार इसने बिल्कुल तूबा की जैसा आटा गूंदा है, तूबा को आटे वाली मशीन की जरूरत नहीं है। हालांकि वो बंदी थी हमारे घर की कि वो नहीं गूंदती थी आटा, कहती थी मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, उसके हाथ बहुत वाइट है माशाल्लाह से। तो अब वो इतना अच्छा आटा गूंदती है कि जिसकी इंतहा नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह से। खैर जी अब देखें हमारी रोटी कितनी अच्छी बन रही है। अब इस रोटी को जो है हम डालेंगे तवे के ऊपर, और रोटी को जो है ना मतलब मुझे ना ज़्यादा देर वेट भी करना नहीं पड़ा, वरना जो फ्रेश फ्रेश आटा गूंदा होता है उसकी रोटी फट जाती है, इससे मुक्कियाँ नहीं लगती आटे में, मेरी कलाइयाँ दर्द करने लग जाती हैं। पता नहीं शायद कैल्शियम की कमी हो गई है बच्चे पैदा करने की वजह से, या जो भी इशू होता है, क्योंकि आपको पता है हम डाइट तो इतनी अच्छी लेते नहीं है, बच्चों के चक्कर में घर के चक्कर में अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, तो फिर कमी तो आनी। और माशाल्लाह 1-2 बच्चे तो हैं नहीं आपके सामने, ये फिर लास्ट जो है वो सी सेक्शन से हुआ था बेबी, और सी सेक्शन भी जो था वो मेरा 3 था, अच्छी खासी हैवी ब्लीडिंग हुई थी मुझे कि मेरा HB 14 से ना 6 पे आ गया था। लेकिन आप देखें हमारी रोटी कितनी अच्छी बनी है। उसके बाद आप देखना सही लाल सुरख पराठा बनेगा, और मैंने ना इसकी वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब के ऊपर, काफी लोगों ने रोटी मेकर भी यूज किया हुआ था इसकी, इसी से पेड़ा लेकर रोटी मेकर पर रोटी बनाई थी, और रोटी इतनी अच्छी बनी थी ना, सही जो फूलती है ना रोटी सही वो वाली। तो मैंने वकास को बोला मुझे रोटी मेकर भी ला के दो, मैंने रोटी मेकर भी रिव्यू करना है, क्योंकि आटा गूंदने वाली मशीन तो आ गई। अब आटा गूंदने वाली मशीन से आटा गूंदना इतना आसान हो गया, वकास को पास खड़ा किया था कि आप देख लो अगर कभी जरूरत पड़े तो आप बना सको। जो है हमारा पराठा भी रेडी हो गया, हम लोग जो है वो बैठ कर नाश्ता करेंगे। अब आज उठा हुआ था, बलाज सोया हुआ था, और तस्वीर रमेश जो है वो स्कूल गई हुई थी, और तस्वीर रमेश को जो है वो मैंने सैंडविच बनाकर दिया था लंच के लिए, तो वो लोग ले गई थी। यार ये पूरा साल ना मुझे ख्वाब में ना बार बार नजर आता था कि मैं काबे की ज़ियारत पे गई हुई हूँ, और मैं काबे का तवाफ कर रही हूँ, मुझे वकास नजर आते थे, और इवन मुझे असचल भी नजर आती थी कि अहराम बांधा हुआ और हम लोग ना काबे का तवाफ कर रहे हैं। तो मतलब मुझे इतनी शदीद वाली जो होती है ना एक तलब जाने की उम्रे पे और हज के लिए, तो मुझे इस पूरे साल, और बल्कि साल स्टार्ट भी हो गया, मैंने बल्कि कल भी वकास को बोला था वकास आप मुझे अकेले को जाने दें उम्रे के लिए और आप मैनेज कर लेना घर को ये वो, तो वकास बोलते नहीं अगले साल जाएंगे, और फिर मेरी अम्मी वगैरह भी बोलती नहीं अभी नहीं जाना, अभी जो तुमने एक काम खोला हुआ है तुम उसको कर लो और अगले साल जाना तुम उम्रे के लिए। लेकिन लिटरली यार इतना शदीद वाला मेरा दिल है ना कि बस मतलब कभी कभार इतना मैं होती हूँ ना बोलती हूँ यार सब कुछ छोड़ गया बस
किस तरीके मैं मदीना पहुँच जाऊँ, बस मेरा इतना शदीद दिल करता है। और ये भी नहीं कि पैसों का मसला है, किसी चीज़ का मसला है, पर ये है कि बच्चों की वजह से अक्सर रह जाता है, क्योंकि माशाल्लाह अब हाज बहुत छोटा है। क्योंकि मैंने बताया मुझे तुर्की जाने का भी शौक़ नहीं है, मुझे तुर्की के इतने ट्रिप ऑफर हुए हैं ना कंपनीज की तरफ से, वो मेरे पासपोर्ट, वीज़ा, कोरोना का टेस्ट, हर कुछ वहाँ पर रिहाइश 8-8 दिन के लिए मुझे मिनते करते हैं कि आप आओ जी, तो मैं नहीं जाती। लेकिन मुझे जब मदीने के लिए जो होता है ना, मैं कहती हूँ अपने पास से पैसे लगा के जाना, लेकिन मैंने जाना है, बस मेरा शदीद वाला दिल है। और खैर, अच्छा आटा गूंदने वाली मशीन के बारे में बता रही थी मैं आपको कि मशीन है, अच्छी है, टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होता। इसमें एक और आती है, मेरी सऊदीया में एक सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी, और वो ऐसी होती है जैसे वो हमारे पास केक बेकिंग वाली मशीन नहीं होती, उस तरीके की वो मशीन होती है। मैं यहाँ पर वीडियो लगाऊंगी, आप लोग देख लेना, अगर आपको इस तरह की मिल रही है तो आप वो ले लेना, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, अब्दुल्ला वालों की मशीन से भी ज़्यादा। लेकिन खैर, जो आपके लिए ईजी होती है आप वो ले लें, जो आपकी रेंज में पड़ती है आप वो ले लें, ठीक है। बस ये है कि ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखें, अब ये जो मशीन है ना, ये मैंने खुद खरीदी है, मैं खुद गई हूँ, मेरे दो दो चक्कर भी लगे इस मशीन की वजह से, और उसके बाद जो है मैंने आपको रिव्यू किया, और इस वीडियो को देख के इतने लोगों ने ये मशीन खरीदी नहीं, और इसका फायदा किसको होगा, ब्रांड को, मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं है। व्लॉग तो मैं वैसे भी लगाती हूँ, आज भी मैंने लगाया है, रोज लगाती हूँ, अच्छे व्यूज भी आते हैं व्लॉग को, आपको भी पता है। तो इस स्पॉन्सर वीडियोस का मुझे ये फायदा होता है ना कि मुझे ब्रांड जब चीज़ें भेजते हैं ना, तो मैं उनसे बोलती हूँ भाई चीज़ यूज़ करूँगी, अगर अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो मैं आपको रिटर्न कर दूँगी। तो अगर चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उनको बताती हूँ हाँ जी चीज़ अच्छी है, तो मैं इनका रिव्यू कर दूँगी, फिर वो जो मुझे पेमेंट देते हैं या मेरी बात होती है उनसे, मैं उनसे पैसे ले लेती हूँ उस चीज़ के, और फिर उस चीज़ को रिव्यू करके उनके लिंक लगा देती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से बाय कर लेते हो। तो इसका मुझे भी फायदा ये होता है कि वो प्रोडक्ट जो मैं रिव्यू करती हूँ तो उसके बदले मुझे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मैं खुद खरीदती हूँ चीज़, और वो चीज़ जितने की भी आया, जैसे अब मैंने हायर की मशीन रिव्यू की थी, वो 60,000 की आई थी, वो मैंने खुद खरीदी थी। इसके अलावा मैंने उसको देख के इतने लोगों ने वो मशीन ली है। उसके अलावा जूसर का रिव्यू मैंने खुद किया था, वो मेरा 16,000 का जूसर आया था। मेरा जो स्टीमर है वो मैंने खुद खरीदा था, वो मेरा 16,000 का आया था। कितनी सारी चीज़ें जो मैंने अपने चैनल पर रिव्यू किया मैंने खुद खरीदी है, और उसको देख के इतने लोगों ने वो चीज़ खरीदी है, मुझे तस्वीरें भेजते हैं, मुझे दिखाते हैं कि हमने खरीदी है ये चीज़। तो ये है कि स्पॉन्सर वीडियोज़ आप लोग पता नहीं क्या समझते, काफ़ी लोग तो कहते हैं हाँ आप ही, आपका हक बनता है, आपने इतनी मेहनत की यहाँ पहुँचने के लिए, आपको लेने चाहिए वैसे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि आप स्पॉन्सर वीडियो कर रही हैं, स्पॉन्सर वीडियो कर रही हैं, तो यार एक तो आप लोग खुश हुआ करो, अगर कोई मिलती है स्पॉन्सर वीडियो तो आप लोग साथ दिया करो और खरीदा करो वहां से जाके चीज, क्योंकि आप लोगों को ये अच्छे से बताना चाहिए कि अगर नताशा वकास रिव्यू कर रही है चीज का, तो ये रिव्यू जो है ना बहुत ही ऑनेस्ट होगा। मैं कभी भी आप लोगों को खराब चीज रिकमेंड नहीं करूंगी। और अक्सर ऐसा भी होता है कि यार किसी चीज से किसी को रिजल्ट नहीं मिलते। अब जैसे आप लोग कितने आज भी मुझे इतने लोगों ने स्टोरी में टैग किया हुआ था कि मैंने फलानी जगह से ये चीज बाय करी अच्छी नहीं निकली, अब क्या उसमें भी मेरा कसूर है? होता है यार, जरूरी थोड़ी ना है कि एक चीज सबके लिए वर्क करे, और जरूरी थोड़ी ना है कि एक चीज सब पे वर्क ना करे। कोई क्रीम ऐसी जो मेरे पे रिजल्ट देती है, किसी पे नहीं देती है, स्किन की कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ईमानदारी से रिव्यू करूँ, कोई भी चीज आती है, कोई भी चीज में हल्का सा भी मसला मुझे नजर आता है ना, मैं उनको वापस कर देती हूँ कि भाई मुझे नहीं करनी। मैंने डॉक्टर राशेल के प्रोडक्ट आज तक रिव्यू नहीं करे, अभी भी पिछले हफ्ते भी उनका मुझे मैसेज आया था कि हम आपको 1,00,000 रुपए भी देंगे आप रिव्यू कर दो, मैं नहीं करती हूँ कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आता, मैं कैसे इसको रिव्यू करूँ। तो बस कहने का मकसद ये था कि यार बस कभी भी मत सोचना कि कोई गलत चीज़ आपको रिकमेंड करूंगी, और अब जो कोई चीज़ रिकमेंड करती हूँ तो बिला झिझक डरे बाय कर लिया करो। अगर कभी किसी चीज़ से कोई मसला भी निकलता है तो मुझे ईमेल किया करो या वकास को किया करो, और हम लोग चेक करते हैं। जिसकी भी कंप्लेंट मुझे रिसीव होती है मैं फ़ौरन से ब्रांड से बात करती हूँ कि अच्छा इनकी ये चीज़ रिसीव नहीं हुई, अच्छी आप इसको रिप्लेस करके दो या इसके पैसे वापस करो। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और वीडियो को लाइक लाजमी क्या करें यार, लाइक करने से वीडियो की रेटिंग अच्छी होती है। यूट्यूब देखता है कि वीडियो पर लाइक कितने ज़्यादा आया है, लोग देख तो रहे हैं पर लोग पसंद कितना कर रहे हैं वीडियो को, तो उससे चैनल जो है वो अप होता है। दोनों चैनल्स की वीडियो को लाइक लाजमी क्या करो। मुझे पता है आप लोग 1,00,000 व्यूज़ देते हो और कमेंट भी बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन सिर्फ लाइक करना भूल जाते हो। तो लाइक जो है ना वो इतना करना ना लाइक के बस मज़ा आ जाए देख के लाइक्स को। तो खैर ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।